Hello, very good morning. In today's lecture, we will learn a flowchart. We will see that we use to do the aromatic conversion, and by using this, you will be able to solve almost all the questions which is being asked in board exam from the aromatic hydrocarbon till now. So let's start. In between, if you get time, you make this. देखो, यहाँ शुरू में मैंने चार टेस्ट लिखे हैं. जैसे मैंने लिखा कार्बन अमीन टेस्ट. कार्बन अमीन टेस्ट की खासियत होती है कि this is shown by only those compound which are having NH2 group. यानी अगर NH2 group है, तभी जो है वो compound कार्बन अमीन टेस्ट देगा. होता क्या है ये? Here I have taken C6H5NH2, that is aniline. आप इसके जगह RNH2 भी ले सकते हैं. तो simply कहो कि चाहे वो aliphatic वाला हो या aromatic वाला हो, दोनों से carbolamine test मिलेगा. दोनों organic compound से, जिसमें organic compound को हम heat करेंगे chloroform और alcoholic के OH के साथ. तो एक ऑफेंसिव स्मेल, यू कह लें कि एक बुरी सी महक वाला कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है आइसोसाइनाइड. अब आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन देना होता है, इसलिए मैंने पूरा इक्वेशन बैलेंस करके दिया. C6H5NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH दैट विल गिव C6H5NC3KCl3H2. अगला जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है फेरिक क्लोराइड टेस्ट. देखिए C6H5OH हमने लिया है, फिनॉल है, फेरिक क्लोराइड के साथ वायलेट कलर होगा. उसके बाद देखिए, अगर हम एसिटिक एसिड लेते तो वाइन रेड कलर देता, और अगर हमने बेंजोइक एसिड लिया तो ये बफ कलर देगा. तो फेरिक क्लोराइड से तीन कंपाउंड को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे. फिनॉल अगर वायलेट कलर आया, वाइन रेड अगर एसिटिक एसिड हुआ तो, या अगर बेंजोइक एसिड के लिए यूज कर रहे तो बफ कलर प्रेसिपिटेट. तीसरे और चौथे पे हमने लिखा है टॉलेंस रिएजेंट और फेरिक सॉल्यूशन. टॉलेंस रिएजेंट क्या है? ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है, यानी सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर है. उसके बाद ये चेंज हो जाता है डाई अमीन सिल्वर वन हाइड्रोक्साइड एक क्वाड्रेशन कंपाउंड में. इक्वेशन देखिए, बनता तो अमोनियम कार्बोक्सिलेट है, लेकिन ऑब्जर्वेशन में क्या मिलेगा? सिल्वर मिलर. फिर उसके बाद जो है फेलिंग टेस्ट, यह भी एल्डिहाइड के लिए है. इसमें भी रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा, लेकिन जितने एलिफैटिक एल्डिहाइड है वो इस टेस्ट पे रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. ये चार टेस्ट वाली बात हो गई. फिर आइए सीधे इस फ्लो चार्ट को समझाता हूं कैसे यूज करना है. सेंट्रल में देखिए क्लोरोबेंजीन है, सिस क्लोरोबेंजीन. अब इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम सोडियम मेटल और मिथाइल क्लोराइड से कराएं ड्राई इथर के प्रेजेंस में, तो ये टॉलुइन बनाता है, और रिएक्शन का नाम होगा वुड्स विटिक रिएक्शन. सेकंड हाफ में आइए, इधर साइड में देखिए NaOH 623 केल्विन और 380 पे रिएक्ट करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, जो HCl से रिएक्शन करके फिनॉल में चेंज हो जाएगा. क्लोरोबेंजीन से फिनॉल तक का ये जो बनने का प्रोसेस है, इसी को हम डाउज प्रोसेस या डाउज रिएक्शन कहते हैं. मिडिल वाला जरा देख लीजिए, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन क्यूपर साइनाइड से करा रहे हैं डाइमिथाइल फॉर्माइड DMF के प्रेजेंस में 525 केल्विन पे, तो ये साइनोबेंजीन बना रहा है. बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड हुआ. क्यों हुआ? क्योंकि साइनोबेंजीन से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक बना सकते हैं, इवन बेंजामाइड बना सकते हैं, बेंजाइल अमीन बना सकते हैं. सो मेनी कंपाउंड वी कैन डू इट. अब कि देखिए, बीच में जो सोडियम फिनॉक्साइड बना था,
अगर हम फिनॉल का रिएक्शन एनएमएच से कराएं तो भी यही मिलेगा, सोडियम से कराएं तो भी यही मिलेगा। तो एक बार फिनॉल उठाइए, उससे सोडियम फिनॉक्साइड बना लीजिए। अब इसका रिएक्शन अगर आपने मिथाइल क्लोराइड से कराया तो आपको एनिसॉल मिल जाएगा। बोर्ड का क्वेश्चन था, व्हाट हैपेंस व्हेन एनिसॉल इज ट्रीटेड विद एचआई। गलती होती है, देखिए एच इस ओ से जुड़ा तो फिनॉल बन गया और आई सी एच थ्री से जुड़ा तो मिथाइल आयोडाइड बन गया, एक रिएक्शन था। फिर ये आउटलाइन बनाइए, तब तक मैं आपको इसके नीचे का इस स्टेप दिखाता हूं कि कैसे क्या करना है। प्लीज डू इट। टॉलुइन का रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड, फॉर्मूला क्या होगा CrO2Cl2 से कराए कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जो ब्राउन कलर का होगा। फिर हाइड्रोलिसिस के बाद वो बेंजल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। तो टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड का बनना इटार्ड रिएक्शन कहा गया। और ये देखिए साइनोबेंजीन SnCl2 HCl से रिड्यूस करा रहे हैं, इस कंपाउंड का नाम मैंने लिखा आप लिख लीजिएगा बेंजल्डिमीन। हाइड्रोलिसिस के बाद ये भी बेंजल्डिहाइड बन जा रहा है। इस रिएक्शन का नाम हो गया स्टीफेंस रिएक्शन, मैंने लिखा भी, देखिए फॉर्मेशन ऑफ C6H5CH2 फ्रॉम साइनोबेंजीन इज स्टीफेंस रिएक्शन। फिर देखिए बेंजल्डिहाइड से टॉलुइन बनाइए, ये वाला कन्वर्जन है, रिडक्शन है, दो तरह से पॉसिबल है। जिंक अमलगम और HCl से कराएंगे तो इस रिएक्शन का नाम जाएगा क्लीमेंसन रिडक्शन, अब तक तीन बार बोर्ड में पूछा गया है। हाइड्रोजन और KOH से कराएंगे तो भी टॉलुइन बनेगा, लेकिन रिएक्शन का नाम होगा वुल्फ किस्नर रिडक्शन। फिर देखें टॉलुइन का रिएक्शन KMnO4 और KOH से कराएं तो पोटेशियम बेंजोएट बना जो हाइड्रोलिसिस के बाद बेंजोएट एसिड में चेंज। अच्छा यहां से फिर ध्यान देना है कि बेंजोइक एसिड का रिएक्शन PCl5 से करा रहे हैं तो बेंजोइक क्लोराइड बना। इधर देखें फिर आइए उसी बेंजल्डिहाइड पे, बेंजल्डिहाइड है ऑक्सीडेशन कराइएगा तो भी बेंजोइक एसिड बनेगा। अगर इसका रिएक्शन अल्कोहलिक KCl से कराए तो क्या लिखाएंगे बेंजोइन, प्रोडक्ट का नाम बेंजोइन है इसलिए इसको क्या कह रहे हैं बेंजोइन कंडेंसेशन, याद रहेगा बेंजोइन कंडेंसेशन। फिर साइनोबेंजीन से देखिए हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में करा रहे हैं, क्या बन जाएगा बेंजोइक एसिड। और इस साइड को देखिए कंसंट्रेट HCl ले रहे हैं तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा, क्या बनेगा बेंजामाइड। फिर बेंजामाइड का रिएक्शन ब्रोमीन और KOH से कराएंगे तो 2KBr K2CO3 और 2H2O अलग, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है जिसके बाद क्या बनता है एनिलीन। इस एनिलीन को बनाने के चार तरीके आपके सिलेबस में, बेंजोइक एसिड हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन करेगा लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, क्या बनाएगा देखिए एरो देखिए एनिलीन बनाएगा। इस रिएक्शन का भी नाम क्या होगा स्मिट रिएक्शन। तो हाफमैन डिग्रेडेशन से भी बन गया और स्मिट से भी बन गया, दोनों की खासियत है कार्बन कम कर देता है। अब ये थर्ड वाला देखें, सोडियम फिनॉक्साइड तक तो बताए थे, उसका रिएक्शन CO2 से कराए 400 केल्विन 6 to 7 atm के, तो सोडियम फिनाइल कार्बोनेट बनेगा, रिअरेंज होगा सोडियम सैलिसिलेट में और एसिड हाइड्रोलिसिस का क्या बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एट 400 केल्विन एट 6 टू 7 एटीएम प्रेशर इज कंसीडर्ड एज कोलबेज रिएक्शन। सो दिस इज द कोलबेज रिएक्शन। इधर देखिए फिनॉल लिया है, रिमर ट्रिमर रिएक्शन दो तरह से हो सकता है, कैसे क्लोरोफॉर्म से भी और कार्बन टेट्राक्लोराइड से भी।
अगर क्लोरोफॉर्म लेंगे तो सैलिसिलिकेट बनाएंगे और अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड लिए तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा। अब यहां से लास्ट तक का कन्वर्जन जो है उसमें बेसिकली एनिलीन के कन्वर्जन होंगे और कुछ और होंगे। स्क्रॉल करता हूं, देखिए ये लास्ट इन पे जा रहे हैं। ये देखो बेंजोइल क्लोराइड तक बता दिया था, बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराए प्लेडियम बेरियम सल्फेट और सल्फर बॉइलिंग जारी में, तो भी बेंजोल्डिहाइड बनेगा, लेकिन रिएक्शन का नाम रोजन मून रिएक्शन, एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। फिर देखिए वही बेंजोल्डिहाइड ले एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराए, किससे एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो हाइड्रोलिसिस के बाद वो सिनेमिक एसिड बनाता है, रिएक्शन का नाम हो गया पर्किन रिएक्शन। फिर देखिए टू मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन इन्वॉल्वमेंट रिएक्शन विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म डाइफेनिल, द रिएक्शन इज द फिटिंग रिएक्शन। सैलिसिलिक एसिड चाहे जैसे बनाया हो, मतलब कोल्बे रिएक्शन से बनाया हो या रिवर टीमेंट से बनाया हो, उसका रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से ग्लेशियल एसिटिक एसिड में अगर कराएं तो एस्पिरिन बनता है, जिसका नाम क्या है टू एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। फिर देखिए N2Cl है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, एल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करेगा और खुद बेंजीन में चेंज हो जाएगा। नाउ कम टू दिस साइड, देखो दो तरीका तो पहले बता दिया था एनिलीन बनाने का, दो और बता रहा हूं, कौन कौन सा, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन, ये 2019 का बोर्ड का क्वेश्चन था, आईएससी में सेम सेट ऑफ कंडीशन में था कि 475 केल्विन होना चाहिए, 68 का प्रेशर होना चाहिए, तो क्लोरोबेंजीन अमोनिया से रिएक्ट करेगा क्यू प्लस ऑक्साइड के प्रेजेंस में और फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीन में और क्यू प्लस क्लोराइड बाय प्रोडक्ट करेगा। दूसरा देखिए फिनॉल है, ये अमोनिया से रिएक्शन करा रहा है सोडियम बाइसल्फाइड के प्रेजेंस में करा रहे हैं तो भी ये एनिलीन बनाएगा और रिएक्शन का नाम होगा बचरर रिएक्शन। फिर देखिए इस फिनॉल का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराइए तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बना, कॉमनली नोन एज पिक्रिक एसिड, ठीक है। एनिलीन का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराइए तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा। अब ये लास्ट एनिलीन का रिएक्शन देखते हैं, एनिलीन का डायहाइड्रेशन करा रहे हैं तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, यहां से नेम रिएक्शन देखना HBF4 से कराया तो ये Cl और ये HCl बना, BF4- यहां जाके जुड़ा, फिर हीट कर दिया इसको तो फ्लोरोबेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन बाय द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड एंड HBF4 इज कंसीडर्ड एज बार्ज सीमेंट रिएक्शन। फिर देखिए HCl और HBr से रिएक्शन कराइए कॉपर के प्रेजेंस में तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनेगा, दिस रिएक्शन इज नोन एज गार्टनमैन रिएक्शन। सेकंड साइड जाते हैं, दीजिएगा we have taken HCl but CO2Cl2 or HBr and CO2Br2 तो भी क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बन रहा है, लेकिन अब रिएक्शन का नाम हो गया सेंटमेयर रिएक्शन। पोटेशियम आयोडाइड से कराएंगे तो आयोडोबेंजीन, CuCN KCN से रिएक्शन करेगा तो साइनोबेंजीन, लास्ट वाला कपलिंग रिएक्शन है, फिनॉल के साथ ऑरेंज डाई देता है, टेस्ट पर फिनॉल में लिख सकते हैं आप, और एनिलीन के साथ जो है ये येलो डाई देता है। बाकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एक सिंपल सा पॉइंट देखें, CHO NO2 COOH CONH2 या यू कह लें वो सारे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कहीं मल्टीपल बॉन्ड है वो मेटा डायरेक्टिंग होंगे और जो सिंगल बॉन्डेड हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। I hope this chart will help you to do the some aromatic conversion.